सो हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपनी विंडोज 11 में वर्चुअल रैम मेमोरी को इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, अगर आप अपने सिस्टम में रैम मेमोरी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। गाइस, इस टॉपिक में मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी जिसका आपको लिंक आई बटन में देखने को मिल जाएगा। बट गाइस, उसमें मैंने आपको सेम टॉपिक पे ही बताया था, बट उसमें जो आपकी वर्चुअल रैम मेमोरी है वो आपके इंटरनल जो स्टोरेज डिवाइस है, लाइक आपके सिस्टम में अगर जो SSD है या फिर आपके सिस्टम में हार्ड डिस्क है, उसको आपका सिस्टम एज अ रैम की तरह यूज़ करता है उसकी थोड़ी सी स्पेस को। बट गाइस, कहीं आजकल जितने भी नए लैपटॉप या नए डेस्कटॉप आ रहे हैं उनमें कहीं स्टोरेज काफ़ी कम देखने को मिलती है, लाइक 120 GB की SSD देखने को मिलती है या 240 GB की SSD। तो गाइस, उन सिस्टम में ये इशू देखने को मिल जाता है। मेरे को एक मेरे व्यूअर ने कमेंट भी किया था, आप में से मेरा कोई सब्सक्राइबर था जिसने कमेंट किया था कि भाई मेरे सिस्टम में सिर्फ 240 GB की SSD है एंड अगर मैं उससे वर्चुअल रैम मेमोरी इंक्रीज करता हूँ तो मेरे को स्टोरेज इशू आ रहा है। तो गाइस, इस प्रॉब्लम का भी मैंने सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस को एज एन वर्चुअल रैम मेमोरी की तरह इंक्रीज कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, लाइक अगर आपके पास कोई स्पेयर पेन ड्राइव पड़ी है या फिर आपके पास कोई मेमोरी कार्ड पड़ा है तो उसको आप एज अ वर्चुअल रैम मेमोरी की तरह इंक्रीज कर सकते हैं एंड आपके जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तक हद तक इंक्रीज हो जाएगी। सो गाइस, आपको वीडियो को जरा सभी स्किप नहीं करना क्योंकि हर एक स्टेप जो है वो इंपॉर्टेंट है। एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली गाइस, जो फर्स्ट मेथड है, आपको अपना जो पेन ड्राइव है या मेमोरी कार्ड है वो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देनी है। गाइस, आपको मेक श्योर करना है जो आपकी पेन ड्राइव है वो वर्किंग पेन ड्राइव हो। एंड गाइस, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपका जो पेन ड्राइव वो 8 GB की है, 16 GB की है, 32 GB की है, वो गाइस आपका जोन से भी अवेलेबल है तो आप उसको अपने सिस्टम के साथ आपको कनेक्ट कर देना है। तो सिंपली गाइस, मैं यहाँ पे अपनी पेन ड्राइव जो अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पेन ड्राइव का आ चुका है। सिंपली गाइस, यहाँ पे हमें दिस PC को ओपन कर लेना है। देन गाइस, यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं मेरी USB पेन ड्राइव में मेरी फाइल्स पड़ी हैं। तो सिंपली गाइस, इन फाइल को मैंने अपने जो इंटरनल हार्ड डिस्क है उसमें ट्रांसफर कर लिया क्योंकि गाइस ये मेरी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं। तो आपको भी जो भी आपकी USB जो डिवाइस है उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं उनको अपनी कोई इंटरनल स्टोरेज में या फिर किसी और डिवाइस में ट्रांसफर कर देना है। देन गाइस, इसको आपको राइट क्लिक करके एंड यहाँ पे आपको फॉर्मेट पे क्लिक करना है। फॉर्मेट से गाइज आपकी फाइल जो पेन ड्राइव में जितना भी डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आपकी जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल है आपको अपने किसी और डिवाइस में ट्रांसफर कर देनी है। देन गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको FAT32 डिफॉल्ट जो होता है इसको गाइज आपको NTFS पे क्लिक करना है। गाइज, आपको इसको जरूर सेलेक्ट करना है। देन गाइज, इसको आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है एंड गाइज यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं तुम्हारी पेन ड्राइव वो फॉर्मेट हो रही है। सिंपली गाइस, अभी आप देख सकते हैं फॉर्मेट कंप्लीट आ चुका है। सिंपली गाइस, मैं ओके कर देता हूं एंड यहां पे आपको क्लोज कर देना है। देन गाइस, यहां पे आपको राइट क्लिक करना है एंड यहां पे आपको प्रॉपर्टीज पे चले जाना है। गाइस, ये मेथड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, यहां पे आप देख सकते हैं हमने यहां पे अपना रेडी बूट जो है वो ओपन कर लिया। देन गाइस, यहां पे कई पीसेस में एक इशू आ जाता है कि दिस डिवाइस डज नॉट सपोर्ट रेडी बूट का जो एरर आ जाता है। तो गाइस, उस एरर का फिक्स यहां पे आपको आई बटन पे एक वीडियो देखने को मिल जाएगी, उसमें मैंने आपको बताया होगा। तो गाइस, उस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा अगर यहां पे आपको कोई सा भी एरर शो होता है। बट गाइस, अगर आपको जैसे अभी मेरे सिस्टम में शो हो रहा है तो अगर ऐसे आपको शो हो रहा है तो गाइस आपके सिस्टम में कोई भी एरर नहीं है। सिंपली गाइस, यहां पे आपको इस डिवाइस को टिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको यूज दिस डिवाइस पे टिक करना है एंड यहाँ पे आपको मैक्सिमम जो है यहाँ पे इस एरर को राइट साइड ले जाना है जितना यहाँ पे राइट साइड जाएगा। देन गाइस, यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है एंड गाइस ये थोड़ा सा टाइम लेगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देता हूँ एंड गाइस जो आपकी ये जो पेन ड्राइव है वो फुल सिस्टम जो है वो यूज करेगा। अभी आप देख सकते हैं मेरी 14.3 GB की जो है ये पेन ड्राइव है एंड गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें कोई सा भी एरर नहीं आया। तो सिंपली गाइस, आपको इसको क्लोज करना है एंड एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है एंड गाइस जो एक मेन चीज़ है इस पेन ड्राइव को भी आपको अपने सिस्टम से कभी भी रिमूव नहीं करना जब तक आप इस रेडी बूट को यहाँ से टर्न ऑफ नहीं कर देते। सो गाइस, अगर आपको इस पेन ड्राइव को अपने सिस्टम से रिमूव करना है तो गाइस उसका भी मैं आपको फिक्स बता देता हूँ। सिंपली गाइस, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में चले जाना है एंड जो मैंने आपको मेथड बताया सेम आपको उसको अल्टर करना है। देन गाइस, यहाँ पे आपको रेडी बूट पे जाना है एंड यहाँ पे आपको डू नॉट यूज दिस डिवाइस पे क्लिक करके अप्लाई कर देना है एंड यहाँ पे ओके कर देना है एंड यहाँ पे अब गाइस आप अब पेन ड्राइव को रिमूव भी कर सकते हैं, नॉर्मल तरीके से यूज भी कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप इसको जब आप अपनी गेमिंग करते हैं या फिर कोई हैवी वर्क करते हैं तो आप तभी इस रेडी बूट को ऑन कर सकते हैं एंड जब आपको इस पेन ड्राइव को रिमूव करना है या फिर अपने सिस्टम को शट डाउन करना है तब आप इसको बंद भी कर सकते हैं। तो गाइस, आपको ये चीज़ जरूर करनी है। तो इस तरह गाइस आप अपने सिस्टम की जो वर्चुअल रैम मेमोरी है एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस से इंक्रीज कर सकते हैं। गाइस, इसके बाद आपको अपने सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है उसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगी। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।